एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास C21Y है या C25Y है या C11 2021 है, तो आपने कोई भी रियलमी का फ़ोन परचेज किया हुआ है, तो आप किस तरह से वारंटी चेक कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ओके, जो आपके फ़ोन में ही होता है, तो आपको अपने फ़ोन में इस तरह से ऐप ड्रॉअर को ओपन कर लेना है। वापस से दिखा देता हूँ इस तरह से, और आपको चले जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको SMS कॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन दिख रहा होगा, और सिस्टम के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो है ना Realme UI 1.0 या फिर आप R एडिशन बोल सकते हो, ये वाला है। अगर आपको दूसरा वाला UI मिला हुआ है तो आप दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर सेल्स सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसी में आप चाहो तो यहाँ पे सर्विस इंफॉर्मेशन में जाके कस्टमर केयर का नंबर वंबर निकाल सकते हो फ़ोन ऑन करने के लिए, पूछने के लिए, है ना। और यहाँ पे ई वारंटी कार्ड का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हो कि आपका वारंटी कार्ड एक्टिवेट नहीं है। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि सिम डालने के साथ, अभी देखो सिम डाला हुआ है तो कहाँ एक्टिवेट हुआ। तो सिम ज़रूरी नहीं है कि आपने सिम डाल दिया है और मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट कर दिया है तो आपका वारंटी एक्टिवेट हो ही जाएगा ना भाई। एक बार ना आपको करना पड़ता है, ओके। और बहुत सारे मोबाइल में हो भी जाता है, तो अब आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे आपका वारंटी एक्टिवेट हो जाएगा इस तरह से, ओके। और इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वारंटी कार्ड है इसको हम लोग ई वारंटी कार्ड बोलते हैं, और ये इक्विवेलेंट होता है हार्ड कॉपी के। तो आपको वारंटी कार्ड या बिल ले करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको चुपचाप मोबाइल ले करके जाना है सर्विस सेंटर और आपका सही हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।